किम जोंग को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन जोंग ने मना कर दिया ये कहकर कि मैं अभी भी शादीशुदा हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बेहतरीन प्रेम कहानी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में। मूवी की शुरुआत हमारे मेन नायक किम से होती है। सभी सोल्जर्स वियतनाम वॉर जीतने की खुशी मना रहे थे। वॉर में किम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, इसीलिए सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। कमांडर किम को ड्रिंक देता है, लेकिन किम को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो ड्रिंक करने से मना करता है। कमांडर के इंसिस्ट करने पर वो ड्रिंक पी लेता है, लेकिन बाहर आकर उसने उल्टी कर दी। किम बाहर बैठकर सिगरेट पी रहा था, तभी वो अनजाने में दो सोल्जर्स को बातें करते हुए सुनता है जो उसी के बारे में बातें कर रहे थे। किम के ससुर कमांडर हैं और सोल्जर्स को लगता है कि इसी की वजह से किम को हर बार हीरो बनाया जाता है, जबकि वॉर में सबने अच्छा प्रदर्शन किया था। असल में कुछ सोल्जर्स किम से जलते हैं। किम की वाइफ का नाम ली है, लेकिन किम का अपनी वाइफ से इंटरेस्ट खत्म हो गया है। एक दिन कैप्टन जिन का किम की सेना में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जिन काफी चापलूस किस्म का इंसान है। किम जब जिन के पेपर्स चेक कर रहा था, उसे जिन की वाइफ का सरनेम काफी अजीब लगा। जिन बताता है कि उसकी वाइफ चाइनीज है और किम और उसकी वाइफ का बर्थडे एक ही दिन होता है। एक रात किम वॉक पर निकला और तब उसकी नजर पिंजरे में बंद कुछ परिंदों पर जाती है और वो उनके साथ मस्ती करने लगा। तभी वहाँ एक औरत आई जिसका नाम जोंग है और ये जिन की वाइफ थी जो उसी के पड़ोस में रहते हैं। वो किम से उन परिंदों को परेशान करने से मना करती है। किम को जोंग से पहली नजर का प्यार हो गया। वो उसे माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन किम चेकअप कराने डॉक्टर के पास आया। वियतनाम वॉर के बाद से किम मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहा था, जिसमें कई सोल्जर्स मारे गए थे। अगर जनरल को उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में पता चला तो वो उसे अनफिट करार देकर मिलिट्री से निकाल सकते हैं। बाद में वो एज अ गेस्ट मिलिट्री हॉस्पिटल जाता है, जहाँ एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। किम की वाइफ ली और जोंग उस हॉस्पिटल में मौजूद है। ली और जोंग की वहीं पर दोस्ती हो जाती है। ली उससे पूछती है कि अब तक उसका कोई बेबी क्यों नहीं हुआ। जोंग बताती है कि वो कोशिश तो कर रही है, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। उस हॉस्पिटल में एक मेंटल पेशेंट ली पर हमला करने की फिराक में था, लेकिन जोंग उसे बचा लेती है। उस पेशेंट ने जोंग को पकड़ लिया। किम उस पेशेंट को ठंडा करने की कोशिश करता है और उससे उलझ जाता है। इस बीच उस पेशेंट के हाथ किम की पिस्टल आ गई और वो खुद को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन किम ने गन का डायरेक्शन मोड़ दिया और गोली जोंग के कंधे को छूकर निकल गई। किम पूछता है कि क्या वो ठीक है। जोंग बताती है कि उसकी कान की बाली कहीं खो गई है। इस इंसिडेंट के बाद से सभी औरतें जोंग के बारे में गॉसिप्स करने लगी। बाद में जिन उस पेशेंट को काफी मारता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी वाइफ की जान भी जा सकती थी। किम आकर उसे रोकता और कहता है कि वो एक बीमार पेशेंट है जिनको उसे यूं नहीं मारना चाहिए। जिसके बाद उसकी वाइफ से मिलने की बात करता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी भी गलती थी, इसलिए वो उससे मिलकर माफी मांगना चाहता है। किम जोंग से मिलता है और उसे उसकी इयररिंग लौटाता है। वो किम से उसे वो इयररिंग पहनाने को कहती है। जोंग किम की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। किम ने उसे जिस तरह बचाने की कोशिश की थी, वो उसे काफी प्रोटेक्टिव किस्म का इंसान लगने लगा। किम भी अब जोंग के ख्यालों में ही खोया रहता। उसे पता चलता है कि एक डांस टीचर को इलीगली हाउसवाइफ्स को डांस सिखाने के जुर्म में पकड़ा गया है। लेकिन जब उस ऑफिसर को किम बताता है कि वो आर्मी वियतनाम की वॉर में मास्टर सर्जेंट रह चुका है, जिसका मतलब ये था कि मिलिट्री छोड़ने से पहले वो आर्मी उस ऑफिसर का सीनियर था। ये जानने के बाद उस आर्मी के ऊपर लगे सारे चार्जेस हटा दिए गए। किम उस डांस टीचर के साथ बात करने लगा और पूछता है कि वो सिर्फ मंडे को ही उन हाउसवाइफ्स को डांस लेसन क्यों देता है। जिस पर वो आदमी बताता है कि मंडे सबके लिए एक नए दिन की शुरुआत होती है, लेकिन उन औरतों के लिए मंडे एक आम दिन होता है। उनके पति और बच्चे स्कूल और काम पर चले जाते हैं। हाउसवाइफ घर पर अकेला महसूस करती हैं, इसीलिए वो औरतें पार्लर जाकर अच्छे से तैयार होकर उसके पास डांस सीखने आती हैं। डांस की वजह से उन औरतों में गर्मी आ जाती है और एक अजनबी आदमी का उन औरतों को छूना उन्हें पागल कर देता है। किम घर पर है और अभी भी जोंग के ख्यालों में खोया हुआ था।
किम और उसकी वाइफ जिन और जोंग के साथ पिकनिक पर आते हैं, जहां जिन वियतनाम वॉर के बारे में बातें कर रहा था, लेकिन उसकी बातों में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं आता। जिन कार से बियर लेने चला गया और किम की वाइफ टॉयलेट करने। किम और जोंग अकेले होते हैं। जोंग किम से कहती है कि जब वो उसे हॉस्पिटल में मिलने आया था उसे काफी अच्छा लगा था। किम भी उससे कहता है कि वो भी सारा सारा दिन उसी के बारे में सोचता रहता है, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि उसने क्या बोल दिया, वो उसे सॉरी कहता है। जोंग की नजर किम के लाइटर पर जाती है। उसे वो लाइटर काफी पसंद आया। किम ने वो लाइटर जोंग के पर्स में डाल दिया। दोनों फैमिलीज अब साथ में हैंग आउट करना शुरू कर देती हैं। किम और जिन साथ में म्यूजिक सुन रहे थे, तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम हॉक था। वो जिनको वहाँ देख बातें करने आ गया था। किम उस आदमी को पहले से जानता है। उधर जोंग एक ड्रेस के लिए मेजरमेंट दे रही थी। लेडी टेलर को ताज्जुब होता है कि उसका पति क्यों जोंग को ऐसी बोल्ड ड्रेस पहनाना चाहता है, लेकिन जोंग को इसमें कोई एतराज नहीं था। लेडी टेलर उसे कहती है कि ये ड्रेस पहनने के बाद सभी औरतें उससे नफरत करने लगेंगी, और यही होता है। जब जोंग एक पार्टी में थी जहां चीफ भी मौजूद था, औरतें जोंग की ड्रेस पर कमेंट करती हैं और कहती हैं कि चीफ के सामने जोंग को एक कॉल गर्ल की तरह ड्रेसअप नहीं होना चाहिए। जोंग को देख चीफ का मन मचलने लगा और वो कहता है कि ऐसी खूबसूरत लड़की देखने के बाद उसका दिल फिर से धड़कने लगा है। असल में जिन ने जानबूझकर अपनी वाइफ को ऐसी ड्रेस पहनने के लिए कहा था ताकि चीफ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और इसका फायदा आगे जाकर उसे मिले। चीफ जिन से जोंग के साथ डांस करने की परमिशन मांगता है। जिन मान जाता है और कहता है कि आज रात के लिए वो अपनी आंखें बंद रखेगा, जिसका साफ मतलब ये हुआ कि चीफ जोंग के साथ कुछ भी कर सकता है। किम को चीफ का यूं जोंग के साथ फ्लर्ट करना अच्छा नहीं लगता। जोंग चीफ के साथ डांस करने से मना कर देती है, लेकिन जिन उसे मना लेता है। चीफ किम से कोई डांसिंग नंबर प्ले करने को कहता है। किम ऐसा दिखावा करता है कि उसने काफी पी ली है, जिसके बाद वो चीफ को एक सॉन्ग डेडिकेट करने के लिए स्टेज पर चढ़ गया। वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि चीफ जोंग के साथ डांस ना कर पाए, लेकिन उसका ये प्लान फेल हो गया। किम बाथरूम में था और फिर वहाँ जोंग आती है और किम खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसे किस कर लेता है, लेकिन जोंग वहाँ से चली जाती है। उधर हाउसवाइफ ली के सामने जोंग के बारे में बुरी बुरी बातें कह रही थी। ली को उनकी बातें पसंद नहीं आती क्योंकि जोंग को वो पसंद करती थी। किम और उसकी वाइफ जोंग और उसके हस्बैंड के साथ लंच कर रहे हैं। जब दोनों के हस्बैंड वाइफ उनके साथ नहीं होते, किम जोंग को एक पेपर पर कुछ लिख कर देता है। उसने लिखा था कि वो जोंग से बाहर मिलना चाहता है। जोंग उसे लिख कर देती है कि कल 2 बजे वो उससे बाहर मिलेगी। अगले दिन मौसम काफी रोमांटिक था, बारिश हो रही थी। किम उसका बाहर वेट कर रहा है। जोंग उसके पास आती है। किम उसे अपने साथ लेकर चला गया और वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। वो जीप के अंदर ही इंटीमेट हुए। किम हर वक्त अब उसी के ख्यालों में खोया रहता। उसने जिन को एक असाइनमेंट के लिए उस शहर से बाहर भेजने का प्लान किया। जिन जोंग के पास आकर उसे बताता है कि उसे एक असाइनमेंट के लिए बाहर जाना है, और जिन के बाहर जाते ही किम जोंग के घर आ गया। जोंग दरवाजा खोलने से मना करती है क्योंकि वो जानती है कि किम ने जानबूझकर उसके पति को उससे दूर भेजा है। किम कहता है कि वो उसके साथ कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता था। जोंग को लगता है कि वो दोनों ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत है, और वो उसे उसका लेटर भी वापस कर देती है। उधर वो डांस टीचर किम को बताता है कि हॉक उसे स्टीरियो इम्पोर्ट करता है, लेकिन उसे शक है कि वो इसकी आड़ में स्मगलिंग भी कर रहा है। किम का सारा ध्यान जोंग पर था, इसलिए वो उस म्यूजिक टीचर को बताता है कि वो किसी को पसंद करता है, लेकिन अब वो उसे मिलना नहीं चाहती। उसे पता है कि ये सब गलत है, लेकिन वो उसे पागलों की तरह मिस कर रहा है। डांस टीचर उससे ये अफेयर खत्म करने को कहता है क्योंकि वो इस तरह का इंसान नहीं है, लेकिन किम जोंग के ख्याल को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। वो फिर से जोंग के पास आता है क्योंकि आज उसका और जोंग दोनों का जन्मदिन है। किम को लगता है कि उसकी ये जिंदगी जोंग के बिना वेस्ट है। जोंग उसे अंदर बुला लेती है और कहती है कि वो भी यही चाहती है कि उसका पति हमेशा उससे दूर रहे। वो भी किम के साथ रहना चाहती है, लेकिन जब सच में ऐसा हुआ तब वो डर गई। बातें करने के बाद वो दोनों इंटीमेट हुए। अब से दोनों साथ में समय बिताने लगे। एक दूसरे के साथ वो काफी खुश दिख रहे थे। जोंग किम को उसके पति के साथ रिश्ते के बारे में बताती है और किम को पता चला कि जब वो 13 साल की थी उसके पति ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, और शादी के बाद उसे अपने पति का छूना अच्छा नहीं लगता।
वो किम के साथ ही खुश है। किम को जिंग का कॉल आता है, वो बताता है कि उसकी माँ बीमार है। जोंग किम के साथ अपनी सास से मिलने आई, वो ज्यादा सीरियस नहीं थी। वो जोंग से अकेले में बात करती है और पूछती है कि जिसे तुम पसंद करती हो वो किम ही है ना। उसे पता है कि उसका बेटा जिन एक बुरा पति है, इसीलिए वो जोंग को वो सब करने से नहीं रोकती। किम जब जोंग के साथ थी वो कहती है कि मेरी सास से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों ये सब गलत कर रहे हैं, इसीलिए वो किम के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लेती है। दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। किम उसके बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। वो जिन पर स्मगलिंग का झूठा आरोप लगाने की योजना बना रहा है जो उसने नहीं की, जिन को जेल हो जाती है। उसकी माँ जानती है कि ये सब किम ने करवाया है, इसीलिए वो जोंग से ये सब सही करने को कहती है। जिसके बाद जोंग किम के पास आई और उसे जिन को छुड़वाने को कहा। जिन को छोड़ दिया गया, लेकिन जिन को लगता है कि अब किम उसके किसी काम का नहीं है, उसने उसकी ज्यादा मदद नहीं की। उधर किम की वाइफ उसे बधाई देती है क्योंकि किम का प्रमोशन होने वाला है और प्रमोशन के बाद उसका कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाएगा। रात के डिनर पर सब आसपास वाले मौजूद थे, लेकिन किम जोंग के साथ बाहर होता है और बताता है कि जिस जगह उसका ट्रांसफर होने वाला है वहां वो उसके पति जिन को भी बुला लेगा और इस तरह जोंग हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन जोंग उसके साथ जाने से मना कर देती है। किम कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मुझे भूल सकती हो लेकिन मैं नहीं। जोंग उसे वहीं छोड़कर अंदर चली गई। किम नशे में धुत हो जाता है और अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और सबके सामने अपने अफेयर का खुलासा कर देता है। किम के फादर इन लॉ ने उसका प्रमोशन रोक दिया और वो किम को वापस वियतनाम भेजने का फैसला करते हैं। किम जोंग के पास आता है और कहता है कि वो उसके पति से माफी मांगना चाहता है। जोंग बताती है कि अब वो दोनों साथ नहीं रहते, उसका पति अब सियोल चला गया है, जिस पर किम उसे उसके साथ वियतनाम चलने को कहता है। लेकिन जोंग बताती है कि वो अभी भी शादीशुदा है और सब कुछ छोड़कर उसके साथ नहीं आ सकती, जिस पर किम कहता है कि वो जोंग से बहुत प्यार करता है, इस दूरी की वजह से उसका दम घुट रहा था, जिसके बाद उसने गन से खुद के सीने में गोली मार ली, लेकिन गोली उसके दिल के पास से निकल जाती है और वो बच जाता है। जिसके बाद हमें पता चला कि वो वियतनाम चला गया है। कहानी 2 साल आगे जाती है। जोंग एक पार्टी में है, उसे नीचे बुलाया गया और उसे पता चलता है कि किम वॉर में मारा गया है। वो उसे किम की एक फोटो देते हैं जिसमें वो जोंग के साथ था और उस फोटो के पीछे किम ने लिखा था मेरा प्यार। उस फोटो को देखकर जोंग को किम के साथ बिताए पल याद आने लगे, वो रोने लगती है और इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। दोस्तों कहते हैं सच्चा प्यार जिंदगी में एक ही बार मिलता है और जब वो मिले उसे जाने मत दो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। जोंग अपने पति के साथ रिश्ता खत्म करके किम के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती थी। उसके पति को वैसे भी उसकी कोई कदर नहीं थी, उल्टा किम सब कुछ छोड़ छाड़ कर जोंग को अपनाने के लिए तैयार खड़ा था। अंत में इस खूबसूरत कहानी के लिए एक शायरी, फिर आएंगे एक उम्र प्यार की लिखवा कर, फिर आएंगे एक उम्र प्यार की लिखवा कर, फिर तेरे होकर रहेंगे सदा के लिए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।